बात नाप तक पहुंची तो चाचा ने अपनी ही भतीजी की जान ले ली। ऑनर किलिंग की ये सनसनीखेज वारदात उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद की है। एक चाचा के दिल दहला देने वाले कारनामे से कहीं ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा रहा है। जी हाँ, सीतापुर के पिसावा थाना इलाके के बाज नगर गांव में शनिवार को दिन दहाड़े जिस महिला की हत्या होती है और पुलिस हत्या के कारणों के साथ ही हत्या आरोपियों को पता लगाने में जुटती है, तो पता चलता है कि हत्या आरोपी तो खुद थाने में आला कत्ल के साथ आत्मसमर्पण कर चुका है। जिस हत्या आरोपी ने आत्मसमर्पण किया वो मृतका का चाचा है। चाचा ने अपनी भतीजी को उसकी ससुराल से खींचकर बीच सड़क पर दिन दहाड़े इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसकी भतीजी घर से भागकर गैर जाति के शादीशुदा युवक के साथ शादी कर लेती है। इस वारदात की प्रत्यक्षदर्शी मृतका की सास गुड्डी देवी ने पूरी जानकारी दी। गुड्डी राजनगर हमारे यहाँ वो श्यामू की दुल्हन के साथ तरह आई साइकिल वही थी टकाई दिन ने अब घर में घुसे गई वह रहा है पहुड़ी कौन अंशिखा अब उनके चार जन पकड़ी बा खींचता है भैया लेके वह चिल्ला रहे जैसे अब हम सब जन जैसे पकड़े चलते हैं तभी तो लिए रहे हम मार देबो कोई बचाई है तो मार देबो फिर वही तीर पर की धोती उघर गई वह ओढ़े चली तब का ओढ़े नहीं दिन श्याम दुल्हन जैसे पानी फुहरी सब तनते कहीं मृतका का नाम संतरा सिंह है जिसके माता पिता गाजियाबाद में मजदूरी करते। 3 माह पहले संतरा सिंह ने गांव के ही शादीशुदा 3 बच्चों के पिता रूपचंद्र मौर्य के साथ भागकर कोर्ट मैरिज कर ली थी और 1 सप्ताह पूर्व वापस ससुराल आकर रहने लगी थी। इस बात को लेकर गांव वालों को जब पता चला तो गांव वाले संतरा के चाचा श्यामू सिंह को ताना देने लगे। श्यामू सिंह को ये बात इतनी नागवार लगी कि वो संतरा सिंह की ससुराल पहुंचा और उसे घर से घसीटता हुआ बीच सड़क पर ले आया। सड़क पर ही धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद श्यामू सिंह आला कत्ल के साथ पिसावा थाने जा पहुंचा। जैसे ही उसने अपना जुर्म कबूला कि पुलिस के होश उड़ गए। इस पूरी वारदात की जानकारी आई इंडिया को अपर पुलिस अधीक्षक एमपी सिंह ने दी है। एक सूचना प्राप्त हुई लगभग 3:45 में पिसावा पे कि एक महिला है, गाँव की लड़की है, संतरा नाम है उसकी, लगभग 20 साल से ऊपर है, उसकी ऑनर किलिंग की गई है। उसके सगे चाचा श्यामू सिंह ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी है। मौके पे हमारे SHO, हमारे CO और मैं, हमारे SSC महोदय मौके पे आए और यहाँ जानकारी ये हुई कि ये लड़की जो है ये इसी गांव की मूल निवासी है। इसके फादर गाजियाबाद में रहते हैं। ये लड़की इसी गाँव में रहती थी, बहुत ही गरीब लोग हैं ये। इसी गाँव का पहले से मैरिड रूपचंद मौर्य, इसकी लगभग 35 साल है, उससे इसके प्रेम संबंध हो गए थे। रूपचंद मौर्य की शादी पहले हो गई है, उसकी 2 बेटियां भी हैं, लेकिन फिर भी उसके प्रेम संबंध लड़की से थे। प्रेम संबंध की जानकारी होने पे जो लड़की का चाचा श्यामू सिंह इसको गाजियाबाद इसके पापा के पास भेज दिया और लगभग 1.5 महीने पहले रूपचंद मौर्य गाजियाबाद जाके इसको अपने साथ लेके चला गया था और गाजियाबाद में कहीं इसके इसमें मिसिंग लिखी हुई है। रूपचंद मौर्य और इस अंशिका ने जाकर के कोर्ट मैरिज कर लिया दिल्ली या गाजियाबाद में कहीं पे, और अभी लगभग 1 महीने पहले चुपके से गांव में आकर रहने लगे थे अपनी दूसरे पत्नी के साथ में रह करके। कल समौता गांव में जानकारी हुई कि ये लड़की जो गई थी यहाँ से वो गांव में लौट के आ गई है और इस बात को लेके गांव वालों ने उसका चाचा उसको टॉन्ट किया, ताना मारा इसको। आज जानकारी ये हुई कि उसका चाचा श्यामू सिंह था, वो इसके घर पे गया, इसको खींच के अपने साथ ले आया और बीच सड़क पर इसको बड़ासे से गला काट के इसकी हत्या कर दी है। और जैसे ही हमारी पूरी पुलिस टीम, हमारे SSP महोदय यहाँ पर आई, जानकारी ये हुई कि इसका सगा चाचा जो श्यामू सिंह ने इसकी हत्या की थी वो तत्काल थाने पर अपनी साइकिल से पहुंच गया, जिसके हाथ में आला कत्ल का नशा भी था। उसने बताया कि चूंकि ये घटना ऐसे गांव हुई थी, मैंने ऑर्डर किलिंग कर दी है और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, तो मैं आला कत्ल के जो अभियुक्त था वो थाने पहुंच गया है और उसकी गिरफ्तारी हम लोग अभी करेंगे पूछताछ करके। फिलहाल डेड बॉडी यहाँ पर है, हमारी फॉरेंसिक यूनिट यहाँ पर आ रही है, आवश्यक विधि कार्रवाई करके इसमें हम लोग जो आरोपी हम लोग गिरफ्तार करेंगे और जो भी और इसमें मुलविस हैं सम्मिलित के खिलाफ भी, और हम लोग विधि कार्रवाई करके सबको जेल भेजेंगे। थैंक यू सर।
घटना की जानकारी होते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। बाज नगर में तो मानो सन्नाटा पसर गया, गलियां सूनी हो गई। मौकाए वारदात पर पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह और पिसावा थाना अध्यक्ष कौशलेश कुमार सिंह भी दलबल के साथ पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। घटना के बाद रूपचंद्र मौर्य का परिवार इतना डर गया है कि घर में ताला लगाकर गांव से ही चला गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है। पुलिस की बटों और बूटों की आवाज तो गांव में आ रही है, लेकिन हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। आइडिया के लिए पिसावा से गोपीनाथ गुप्ता की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।